देखो आज के एक्सपेरिमेंट का हम लोग का जो टॉपिक है टू स्टडी ऑफ सॉयल फ्रॉम टू डिफरेंट साइड्स। ये टू डिफरेंट साइड्स है, एक गमले का है जिसका सॉयल थोड़ा मॉइस्चर, एक रोड साइड का है जिसका सॉयल थोड़ा ड्राई है। अब टू डिफरेंट साइड्स के क्या हो गए, सॉयल हो गए। इन टू डिफरेंट साइड्स में से हम एक ग्रुप्स को केवल एक सॉयल का स्टडी करने के देंगे, दूसरे ग्रुप केवल एक सॉयल का स्टडी करने देंगे, रिजल्ट आप लोग आपस में क्या करेंगे शेयर करेंगे। एक्सेलेंट कॉपी में जो टेबल बनाएंगे लिखेंगे कि रोड साइड सॉयल एंड गार्डन का सॉयल, ठीक है, गार्डन मतलब बगीचा या गमले का सॉयल। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर कंटेंट एंड टेक्सचर। सबसे शुरुआत हम लोग करेंगे पीएच के लिए, हम लोग पास क्या है यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर है। तो हम सॉयल का पीएच कैसे निकालेंगे ये हम बता रहे हैं। इसमें हमको क्या, इसमें से पानी दो 50 ml या दूसरा बीकर लो, इसमें 50 ml तुम देख सको। नहीं, मेजरिंग सिलेंडर है ना हमारे पास, एक मेजरिंग सिलेंडर लेकर आओ वहाँ से। हाँ आ जाओ, इसमें पानी भरो, टैप वाटर डायरेक्ट भूलो नहीं, पूरा भर दो, पूरा भर दो, कर सो दे। हाँ बीकर दे दो, तो लेट में आना नहीं चाहिए। 10 बजे आया था ना, 10:05 हो गया, बस करने जरूरत नहीं, ठीक है, थोड़ा लेट है। तो हम सॉयल पे एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेशन देना स्टार्ट कर रहे हैं। टू डिफरेंट साइड हमारे पास है, पीएच कैसे निकालेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम करते क्या है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चेक करते हैं, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे, सॉयल को मेजर करेंगे। एक फिक्स अमाउंट आप सॉयल लेंगे, उस फिक्स अमाउंट ऑफ सॉयल में फिक्स वॉल्यूम ऑफ वाटर डालेंगे। तो वाटर डालने पर कुछ सॉयल के, कुछ वाटर क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे सॉयल में, कुछ एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे हम कैलकुलेट क्या करेंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आप सॉयल की वाटर जो है, सॉयल जो है वाटर को कितना कॉन्टेंट कर पा रहा है, क्लियर। ये हमारे पास फिल्टर पेपर है, क्लियर। और फिल्टर पेपर को आप फनल पे फिल्टर करने के लिए बनाना होगा। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले फिल्टर पेपर को ऐसे 50% होल्ड कर लिए और एक बार और इस तरह से कर लो, क्लियर। इसके बाद फिल्टर पेपर को आप लोग क्या करोगे, इस तरह से करके फनल में इस तरह से सेटअप कर दो, क्लियर। अब आप सबको करना क्या है, 20 ग्राम 20 ग्राम सॉयल लेने, 20 ग्राम सॉयल में आप 50 ml वाटर डाल के देखोगे मेजरिंग सिलेंडर में, क्लियर। 50 ml डालोगे तो कुछ ml मान लो 4 या 5 ml एब्जॉर्ब होता है, 40-45 ml में रजिस्टर में आएगा, बाकी वाटर क्या होगा, सॉयल होल्ड कर लेगा। इसी के डिफरेंस को आप निकालोगे कि 5 ml वाटर होल्ड बाई 20 ग्राम ऑफ सॉयल्स। एक एग्जांपल्स ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको मेजर करेंगे, हमको एक रफ सीट का एक स्मॉल पेपर चाहिए। आप लोग डिजिटल वेइंग मशीन को यूज करना तो जान ही रहे, पेपर रखोगे, पेपर के वेट को क्या करोगे, टेयर करोगे, ठीक है। सॉयल है, इससे कोई टेंशन नहीं, आप हाथ से ही सॉयल रख लो। देखो जब मैंने कहा कि 20 ग्राम आप सॉयल वेट करना है, ऐसा नहीं कि 21 हो जाएगा तो आप टेंशन में आ जाओ, 22 हो गया तो टेंशन में आ गए, 21-22 जितना भी आप उतना रख दो, ज्यादा इसको शार्पली मत करो। आप रिजल्ट में क्या लिखोगे कि आपका जो 4 या 5 ml वाटर होल्ड हुआ है वो 22 ग्राम आप सॉइल से हुआ है या 25 ग्राम आप सॉइल से हुआ है, बात समझ रहे हैं। नहीं, 20 से 25 के रेंज में सॉइल का वेट रखो, ठीक है। ये सॉइल बड़े बड़े पार्टिकल्स है तो आप नहीं संभाल पाओगे। ये हमारा 20.69 ग्राम आप सॉइल हो गया, क्लियर। इस सॉइल्स को हम इस फिल्टर पेपर पे रखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा इसको तोड़ देंगे, रखते हो बहुत बड़े पार्टिकल्स नहीं रखेंगे, हाथ से तोड़ दो। कुछ वेट जो डैमेज हो रहा है इस बात को ध्यान दो, डैमेज ना हो,
या आप वेट करते हो कि तोड़ तोड़ के वेट करो तो ज़्यादा बेटर है, बड़े बड़े पार्टिकल्स सही नहीं है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर में वॉल्यूम आपका लिखा रहता है, तो आप कितना एमएल डालोगे आपको इसमें से पता चल जाएगा। चूंकि मेजरिंग सिलेंडर से आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो मेजरिंग सिलेंडर कम ही होगी, एक मेजरिंग सिलेंडर से आप क्या करना, बीकर में जितना एमएल 50 एमएल वाटर लेकर के रख लेना, ताकि मेजरिंग सिलेंडर आपका फ्री हो जाए एक्सपेरिमेंट के लिए। ये नियर अबाउट 100 एमएल की हाइट हो गई है, और चलो इसी से डायरेक्ट में डालता हूँ, इससे जितना डाउन होगा वाटर वो उनको पता चलता जाएगा। सर जो आप क्या मेजरिंग सिलेंडर, ये देखो फिल्टर पेपर लगा दिया, फनल है और ये मेजरिंग सिलेंडर इसको बोल रहे हैं, और फिल्टर पेपर ही सॉयल, सॉयल को मैंने वेट कर दिया, मेरा है सॉयल 20.50 ग्राम, राउंड फिगर की बात करें तो 20.69 था, तो 20.50 इसको ग्राम मैंने कंसीडर कर लिया। अब इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डालेंगे, जरूरी नहीं कि 50 डालो, आप 20 भी डालते हो तो उसके डिफरेंस को आप कंसीडर कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं डालना स्टार्ट करता हूँ, और डालने का प्रोसेस धीरे धीरे होगा, अचानक से झटके नहीं, झटका नहीं देना। सर वो मेरा फिल्टर, हाँ मैंने नियर अबाउट 15 ml डाल दिया, ये ड्रॉप ड्रॉप गिरेगा, घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। अब पानी की हाइट भी उतनी होनी चाहिए कि ऐसा मत देना कि पूरा फनल भर दो और ये वाटर फिल्टर पेपर के बाहर चला जाए, तो वाटर फिल्टर पेपर से फिल्टर पेपर से ना पास होके फनल के साइड से वो नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वाटर थोड़ा थोड़ा भरना है। ये ड्रॉप ड्रॉप वाटर गिर रहा है, कुछ वाटर जो सॉइल होल्ड करेगा, यानी जितना वाटर आप इसमें डालोगे उतना वाटर आपको यहाँ मेजरिंग सिलेंडर मिलेगा नहीं, वो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मैंने 100 ml से डालना शुरू किया है और हमारी हाइट पहुंच गई है 70, यानी हमने 30 ml डाल दिया है। सर मिट्टी कहाँ का है, रोड का मिट्टी कहाँ का है, ये मिट्टी जो थोड़ी सी ड्राई और बड़े बड़े पार्टिकल्स दिख रही है, रोड की है, और ये एमबीएम की वही घास के मैदान की है, ये गीला होगा, हाँ गीला है, गीला है तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम शो करेगी, तो आप इसका रिजल्ट लिखोगे कि गार्डनर सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल था, इसलिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रिप्रेजेंट कर, जो ड्राई होगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा शो करेगी, ठीक है। अब देखो ये ड्रॉप ड्रॉप गिरना बंद किया, गिर रहा है तो थोड़ा वेट करोगे, और इसने हाइट गेन किया है 10 ml, 15 ml, 16 ml गेन कर लिया। मैंने 30 ml डाला था, इसमें कितना अभी आया, 16 ml आया, क्लियर। अभी दोनों का डिफरेंस कैसे लिखोगे, मान लो ये 15 ml ही होता, 30 डाले हैं, 15 आया है, 16 हो गया, ठीक है। ये जितना भी आएगा आपको इसको पेशेंसली वेट करना है। अब एक टेस्ट ट्यूब देना वहां से कॉर्नर से, टेस्ट ट्यूब, हाँ एक अब सेकेंड पॉइंट है, ये आप लिख लोगे, आप कॉपी में लिखोगे कि आपने ड्राई सॉइल कितना लिया था, उसमें कितने एमएल पानी डाला था, और कितने एमएल पानी आपको मिला मिट्टी में डालने के बाद, यानी मिट्टी ने कितना पानी सोखा, डिफरेंस करोगे कितना आपने वाटर ऐड किया और कितना मिला, दोनों का डिफरेंस क्या, उतना वाटर ने, उतना सॉइल ने वाटर को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, क्लियर। अब हमको पीएच निकालना है, ये जो भी आए आप रीडिंग लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको पकड़ो। क्या हो गया, क्या वो 2 बजे तक देंगे, फर्स्ट हाफ के बाद आज हो जाएगा, आज 2:30 से पहले मैं आपको देख लूंगा, ठीक है।
देखो गर्ल्स गर्ल्स फोकस, अब पीएच निकालना है। ये जो पानी है ये मिट्टी से होकर आया है, इसमें मिट्टी के सारे वो क्वालिटीज आ गए होंगे जो होने चाहिए। पीएच प्रॉपर्टी इस वाटर में मिट्टी का आ गया होगा। तब इस मिट्टी के पानी को जो मिट्टी से पास हुआ है इसको हम टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है। ये हमारे पास क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर इसको बोलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर होता है कि बताता है कि एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल, इंडिकेटर बताता है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर बताता है कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक कितना वो है। इसमें एक देखो टेबल बना हुआ बेटा कलर के हिसाब से, यदि ये कलर होगा तो ये पीएच होगा, ये कलर होगा तो ये पीएच होगा। अब इसमें इसका 1 या 2 ड्रॉप डालोगे तो ये वाटर का एक कलर आ जाएगा। यहाँ से आप कलर मैच कराओगे और पीएच नोट कर लोगे कि हमारे सॉइल का यही पीएच होगा। आप ये देख सकते हैं सॉइल 2 ड्रॉप डाल दे, लगता मैंने पानी ज्यादा ले लिया, आप पानी थोड़ा इसका कम लीजिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से कलर मैच करा रहे हैं, आप लोग अपने अपने डब्बे जो देखो भगदड़ नहीं बचाना, एक एक बार एक एक बच्चे आराम से एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है, या यूनिवर्सल इंडिकेटर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये जो मेरा कलर मैच कर रहा है बेटा 7.5 पे मैच कर रहा है, देखो हल्का ग्रीन कलर दिख रहा है ना लोगों को, तो हम लिख देंगे हमारे सॉइल का जो पीएच क्या है 7.5 है। अब इसका ढक्कन बंद कर दो, अब एक स्टैंड ला दो टेस्ट ट्यूब रखने वाला, टेस्ट ट्यूब और स्टैंड। आपने वाटर की 4 प्रॉपर्टी स्टडी करनी है बेटा, आपने 2 प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया है। 30 ml डाला, 15 ml मिला, 16 ml मिला, तो कितना 14 ml वाटर पर 20 ग्राम सॉइल। इसको 1 ग्राम सॉइल करना है तो इसको डिवाइड कर लो उस हिसाब से, क्लियर, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। दैट्स इनफ, आपने पीएच लिख दिया 7.5 विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर बाय मैचिंग द कलर। अब थर्ड है टेक्सचर, टेक्सचर के बाद होगा मॉइस्चर कंटेंट। ये जो मैंने सेटअप आप लोगों के सामने रखा हुआ है ये मॉइस्चर कंटेंट के लिए है। आप इसमें सॉइल को क्या करोगे, पहले इसका वेट करोगे कितना ग्राम ये है या टेयर कर दोगे, ये वाटर बाथ है, सुनो ध्यान से। इसके अंदर 10-20 ग्राम जो भी सॉइल डालोगे सॉइल का वेट हो जाएगा, और फिर सॉइल को डायरेक्ट बर्नर में करके इसको गर्म करके मॉइस्चर को उड़ा दो। फिर ये जब चीज ठंडा हो जाएगा तुरंत ही गर्म गर्म इसको वेट नहीं करना है, जब ये ठंडा हो जाएगा ये बर्तन आपका, तो इसके बाद क्या करना, फिर से ला के इसको वेट कर लेना है पूरे। देखो आप ऐसा करना ना, पहले इस अपने बर्तन का वेट जरूर कर लेना ताकि कहीं कंफ्यूजन हो तो आपको पता रहे कि आपके इस वाटर बाथ का वेट क्या है। हाँ, सबका वाटर बाथ का वेट अलग अलग होगा, सब अपने वेट करते हो अपने रफ कॉपी पे नोट करते चले जाओ। क्या वेइंग मशीन है, आप लोगों को वेइंग मशीन से वेट करना है, बताएंगे भी कैसे करना, ठीक है। वेट करने के बाद इसमें सॉइल रखना है, क्लियर। सॉइल रखने के बाद क्या करोगे, इसको स्प्रिट लैंप के थ्रू हिट करोगे ताकि मॉइस्चर उड़ जाए, और मॉइस्चर उड़ने के बाद 5 से 10 मिनट करना, उसके बाद इसको ठंडा होने देना, उसके बाद अगेन वेट करना, और जो वेट का डिफरेंस आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मॉइस्चर कॉन्टेंट। और ये जो सॉइल का वेट करना है उसको नोट करना है कि 20 ग्राम सॉइल है कि 10 ग्राम सॉइल है, और उसका वेट 8 ग्राम हो गया या 20 ग्राम है तो 16 या 15 ग्राम हो गया, तो उतना परसेंट आपका क्या हो गया, मॉइस्चर हो गया, ठीक है, ठीक। अब लास्ट है सॉइल का टेक्सचर निकालना। ये जो सॉइल आपने फिल्टर पेपर पे गीला किया हुआ है इसको आपको थ्रो नहीं करना है, इस सॉइल को यूज करना है। कैसे यूज करोगे, अब इस सॉइल को स्पैचुला लाना, सत्यदेव तुम्हारे साइड में देखो स्पैचुला चम्मच, चलो रहने बातचीत नहीं है, स्पैचुला है या आपने जो मिट्टी गीली की हुई है इसी मिट्टी गीली को आप इसके अंदर ले लेंगे। हम लोग वाटर कैप्चर नहीं जा रहे थे,
ठीक है, कुछ और सॉइल आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। यहां पे सॉइल को वेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें करना क्या है ये बता रहे हैं। ग्लास रॉड वहां साइड में होगा, ग्लास रॉड दिख रहा है साइड में, नीचे नीचे छेको दूसरे साइड, ग्लास रॉड दिखा, रख दो इसमें आपने कुछ मिट्टी डाल दिया। अब इसकी हाइट आप 50 ml तक लेते जाओ, 50 ml यहाँ मार्किंग है, इसमें पानी 50 ml तक ले लो, और ये जो सॉइल इसके किनारे लगा हुआ है इसको धुलते हुए किनारे से डालो, ठीक है, ताकि हाइट क्या रहे 50 ml। थोड़ा सा बस ये ग्लास रॉड, अब ग्लास रॉड से क्या करोगे, शेक करोगे, मिक्स करेंगे, अच्छे से शेक हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे छोड़ दोगे, छोड़ देने से क्या होगा, जो सॉइल का भारी पार्टिकल होगा इसको सैंडी बोलते हैं, वो इसमें सेटल होगा, मिट्टी सेटल होगी, तो सबसे नीचे कौन सा लेयर बनेगा, सैंडी का, फिर उसका जो मीडियम साइज का वेट होगा वो वाली सॉइल का एक लेयर बनेगा, और जो सबसे महीन मतलब सबसे फाइन पार्टिकल होगा इसको क्ले पार्टिकल बोलेंगे, वो सबसे टॉप पे उसका लेयर बनेगा। यही आपका टेक्सचर ऑफ सॉइल है, टेक्सचर सॉइल में बताओगे कि सैंडी कितने एमएल हाइट का है, 10 एमएल हाइट पे सैंडी है मतलब बालू ज़्यादा है, फिर मिडिल वाले पोर्शन की जो हाइट है वो कितनी है, और टॉप लेयर सॉइल की हाइट कितनी, तीन लेयर बनेगी, एक क्ले सैंडी और बीच वाले को क्या नाम बोलते हैं उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, तीन लेयर बनेगी, इन तीनों बेसिस से आप बता दोगे कि ये क्या है, सॉइल का टेक्सचर है, और जो ऊपर ओवरऑल जितना है पानी की हाइट क्या है 50 एमएल, देखो ओवरऑल सॉइल की हाइट होगी, सॉइल 25 एमएल तक मान लो सॉइल मिला, 50 एमएल तक आपको वाटर है, 25 एमएल के सॉइल के हाइट में आपको 10 एमएल सैंडी मिल गया, 5 एमएल क्ले मिल गया, और बीच का 10 एमएल कुछ और मिल गया, वो आपको डिफरेंशिएट करना है। इसको ऐसे ही रख रख, देखो ये एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है, इसको ऐसे रख के छोड़ दो, 10-15 मिनट में ये मिट्टी सेटल हो जाएगी, फिर हाइट अपने रफ कॉपी में नोट कर लेगा, ठीक है, देख लेना। तो अब एक बार समराइज कर रहे हैं, मैंने सॉइल की चार प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए को चार प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, सबसे पहले हमको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निकालना है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, फिल्टर पेपर लेना है, सॉइल को वेट करना है, वेटेड सॉइल को फिल्टर पेपर रखना है, और फिर एक फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, जरूरी 50 ml, आप 20 ml ही डालो, 30 ml डालो, कि आपको पता हो कि आप कितना डाल रहे हो, जो डाला और नीचे आपको क्या मिला, दोनों का डिफरेंस आपके क्या हो जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, आप 30 ml डाले आपको 25 ml मिला, या 10 ml मिला, या 20 ml मिला, वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा कि इतना ग्राम आपने सॉइल डाला, इतने ग्राम आप सॉइल, इतना ml वाटर को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर होल्ड कर लिया, और जो ये फिल्टर हुआ, जो वाटर फिल्टर हुआ, उस वाटर को टेस्ट ट्यूब में लेकर के यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू आप क्या निकालोगे, पीएच, और जो वाटर जो सॉइल गीली हो गई उसी गीले सॉइल को आप उसी क्या करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर में रख देंगे, और कुछ एक्स्ट्रा सॉइल ऐड करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सॉइल ऐड करके 50 एमएल की हाइट बना के, 100 एमएल का मेजरिंग सिलेंडर 50 एमएल की एक हाइट बना करके उसको ग्लास रॉड से क्या करोगे, शेक करके सेटल कर दोगे, ये लास्ट हो जाएगा टेक्सचर। इस तरह से आपने एक बार एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निकाला, पीएच निकाला, और टेक्सचर निकाला, एक चौथा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपका, ये मैं करके दिखा दूं एक बार, ठीक है, पहले ऑफ किया, ऑन किया, क्या दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, करते रहे हम, करना नहीं है, पहले एक बार इकट्ठा देख लो, ठीक है, ऐसा नहीं कि मेजरिंग सिलेंडर पर बस 10 सेट है तो आप लोग ग्रुप में उस हिसाब से हो जाना, यदि कम पड़े तो कुछ लोग मेजरिंग सिलेंडर करें तो कुछ लोग मॉइस्चर कॉन्टेक्ट वाला करें, समझ आ रहा, झगड़ा नहीं करना है। ये आपका क्या है, अच्छा जिसको जिसको वाटर बाथ मिला है वो वाटर बाथ यूज करने के साथ साथ अपने सारे ताम झाम को भी लहा के रखेगा, इसको खुआना नहीं है,
ठीक है, एग्जाम में पूछा तो कहेंगे तामझाम नाम है इसका, मतलब तामझाम इसका उद्देश्य को समझा दे रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे रखा, ये साइज डिसाइडर है, इसका नेम तो बताइए क्या है। ये वाटर बाथ है, इसके जो ये रिंग्स हैं, सर्कल हैं, ये साइज को डिसाइड करेगा कि आप इसमें बीकर रख रहे हो, किस साइज का रख रहे हो। उस साइड का आप क्या करोगे, इसमें ये सर्कल इसको पहना दोगे, ये इसको ऐसे रखोगे तो इसमें आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इसलिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, खड़े हैं। आगे वाले थोड़ा पीछे रहो, पीछे वाले थोड़ा दिख रहे। ठीक है ठीक है, देखो बातचीत नहीं, इसको मैं यहाँ से रखा। इसका वेट आया 53.28 ग्राम, 53.28 ग्राम। ये आप लोग रफ कॉपी में नोट कर लोगे। अब आप सॉयल का वेट करना चाहते हो, ठीक है, तो चाहे आप इसको टेयर कर लो, चाहे आप इसी में ऐड कर लो, तो वो माइनस कर लेना बात। 53.30 बस ग्राम। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग इसमें कितना सॉइल वेट करोगे, वो आपके ऊपर। कोशिश करो बहुत ज्यादा सॉइल ना लो, बहुत ज्यादा सॉइल करी ना, इससे बनाया जाए पूरा 30। कुछ वाटर होगा, ये उड़ेगा, ऐसा नहीं कि वाटर नहीं है। टेन ग्राम मैंने सवाल ले लिया, 5 ग्राम पे करना चाहते हो तो 5 ग्राम पे कर सकते हो। एक माचिस वहां पे रखा बेटा, देखा एनयू एच के पास, ये देखो स्ट्रीट लैंप का ये कैप है। आप लोग इस कैप को हटाओगे, अभी नहीं हटाना है, जब करोगे तब। अभी कैप क्लोज रखो, अभी नहीं करो, सुनो। अब आपको इस आपके बर्तन का वेट पता है, 53.something ग्राम। सॉइल इसमें 10 ग्राम डाली हो। अब इसको ऐसे 10 मिनट के लिए छोड़ दो, सॉइल को उड़ने दो। यदि यहाँ हाइट नहीं गेन कर रहा है तो आप थोड़ा बहुत ऐसे उठा कर हिट करके फिर यहाँ रखो, वैसे इसको आग जरूर लगेगा, बन जाएगा, ठीक है। अब ये गर्म होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, मॉइस्चर उड़ेगा। 10-15 मिनट तक ऐसे सेटअप को छोड़ दोगे, ढकना नहीं है, ढकोगे तो मॉइस्चर ऊपर कैसे निकलेगा, ठीक है। मॉइस्चर को निकलने दोगे, जब मॉइस्चर निकल जाएगा 10-15 मिनट बाद, फिर ये चूंकि बर्तन बहुत ज्यादा गर्म ना रहे, इस बात को ध्यान देना, जलेगा तो अब सीधे स्प्रिट लैंप बुझाओगे, इसको ऊपर ऐसे ठंडा होने का। जब ठंडा हो जाएगा तब आप इस वेइंग मशीन पे वेट करना, गर्म गर्म करोगे वेइंग मशीन में मेरा खराब हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये 10 ग्राम का सेटअप ही छोड़ दे रहे हैं, कोई एक स्टूडेंट इसको ले कर सकता है करने के लिए, ठीक है। और आज का ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है।